नमः श्रीवर्धमानाय निर्धृतकलिलात्मनि सा लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायति गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परं गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः मोक्षमार्गस्य नेतारं गीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे अनन्तभावभेदधिलि अनन्तनन्तनाय निक्षेपे व्याख्यानि સકલ જગત ગીત કારીણી હારીણી મો તારીણી ભવાબી ચારીણી પ્રમાણી છે ઉપમાપ્યાની मार व्यर्थ आप थी निज मपाई पाई में मानी अहो राज बाल ख्याल न थी पाम જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ જાણી તેણે જાણી स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या चौबीस हिंदी में जीव तत्व की विचारणा चल रही है जो नरकादि चार गतियों में परिभ्रमण करता है वो जीव वो जीव है अब इंद्रियों की अपेक्षा से जीव कहते हैं संसारी जीव के स्वरूप का वर्णन अपने योग्य स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं उन्हें इंद्रिया कहते हैं इंद्रिया पांच होती हैं इंद्रियों की अपेक्षा संसारी जीव पांच तरह के हैं एक द्वि इंद्रिय त्रि इंद्रिय चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय जिनके एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है उन्हें एक जीव कहते हैं ये जीव मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय को ही ग्रहण कर पाते हैं अन्य को नहीं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रिया होती हैं उन्हें द्वि इंद्रिय जीव कहते हैं ये स्पर्शन और रचना इंद्रिय संबंधी विषय को ही ग्रहण कर पाते हैं शेष को नहीं जिनके स्पर्शन रचना और घ्राण ये तीन इंद्रिया होती हैं उन्हें त्रिइंद्रिय जीव कहा जाता है ये जीव स्पर्शन रचना और घ्राण इन तीन इंद्रिय संबंधी विषयों को ही ग्रहण कर सकते हैं शेष को नहीं जिनके स्पर्शन रचना घृण और चक्षु ये चार इंद्रिया होती हैं वे चतुर इंद्रिय जीव जानने चाहिए ये इन चार इंद्रियों संबंधी विषयों को ही ग्रहण कर पाते हैं शेष को नहीं जिनके स्पर्शन रचना घृण चक्षु और श्रोत्र ये पांच इंद्रिया होती हैं उन्हें पंचेंद्रिय जीव कहा जाता है ये स्पर्शन आदि पांचों इंद्रियों संबंधी विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं समस्त संसारी जीव इंद्रिय संपन्न होते बराबर कोई समझने की जरूरत नहीं है इसमें बताए तो समझ में आएगी आगे बढ़े इंद्रिया किसको कहते हैं तो समझ में आ गया तो फिर हम पूछते हैं इंद्रिया किसको कहते हैं जो हाँ अपने योग्य विषय को ग्रहण करती है उसको इंद्रिया इंद्र शब्द से इंद्री शब्द है इंद्र आज्ञा का भाववाची स्वामी आज्ञा स्वामीपना जो करता है आज्ञा जो चलाता है अपनी मनमर्जी चलाता है उसको इंद्र कहते हैं क्या कहते हैं इंद्र कहते तो जो अपने स्वामी की आज्ञा से चलती हैं वो इंद्रिया के लिए इंद्राणी इंद्र की आज्ञा से जो चलेगी वो कौन है इंद्राणी उसकी पत्नी ऐसे इंद्र आत्मा को कहा जाता है किसको कहा जाता है और उस आत्मा के लिए जो काम करती है, वो इंद्रिया सरदार कौन है स्वामी आत्मा किसके लिए काम करेगी ये आत्मा के लिए काम करेगी आत्मा जो कहेगा वो करेगी ये उनकी दासियां हैं इंद्रिया आत्मा की दासी कहो पत्नी कहना ठीक नहीं है क्योंकि पत्नी को दासी कहना ठीक नहीं है पर वो होती तो वही है तो वो उनके लिए काम करती है आत्मा के लिए काम करती क्या काम करती है आत्मा जो जो चाहता है वो सब करती आत्मा क्या चाहता है आत्मा का ऐसा स्वभाव है विषयों को ग्रहण करना पदार्थों को ग्रहण करना ये आत्मा का स्वभाव स्व पर प्रकाशक ग्रहण करने का मतलब होता है उनको प्रकाशित करना जानना इसी का नाम ग्रहण करना है तो अपने को भी ग्रहण करना मतलब अपने को भी जानना और दूसरों को भी जानना अब जब आत्मा को स्पर्शन आदि विषयों को जब जानना होता है ग्रहण करना होता है तो वो इनका सहारा लेता है इनको आदेश देता है कि तुम अभी मुझे ठंडी अनुभूति करनी है तो उसकी आज्ञा का पालन कौन करेगी स्पर्श इंद्रिय करेगी अभी कराते हैं स्वामी आपको हाँ। आपको ठंडक चाहिए हम आपको ठंडक देंगे गर्मी की अनुभूति करनी है आत्मा को करनी किसको करनी आत्मा को करनी तो स्पर्श इंद्रिय कहे मेरे को भी मीठा मीठी अच्छी मीठी अनुभूति करनी है तो रसना इंद्रिय रेडी है उसके लिए चलो हम आपको मीठा मीठा कुछ अनुभव कराते जब कहता है कि मेरे को आत्मा कहता है कि मेरे को सुगंध चाहिए अच्छी अच्छी तो रेडी है कौन सी इंद्रिय है ग्राण इंद्रिय सबका अपना अपना आत्मा कहता है मेरे को ये चीज देखनी है ठीक है आपको दिखाते तो उसके लिए कौन सी इंद्रिया होगी तक्ष और आत्मा कहता है मूर्ख बहुत अच्छे संगीत सुनना है तो कौन सी इंद्रिया रेडी है उसके लिए उसके विपरीत भी समझ नहीं अब एक बार क्या होता है कि एक बार इसने अपनी दासी काम बता दिया ये इंद्रिया है वो दासिया तो हैं पर मूर्ख दासियां स्वच्छंदी दासिया एक बार उनको जो काम बता दिया तो वो अच्छा बुरा नहीं सोचेंगी एक बार काम बता दिया उसको कि भाई तेरे को है ना देखने का काम करना है तो वो जो मन में आए वैसा ही नहीं देखेगी जो हमको आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा वो सभी देखेगी वो जब नहीं चाहेगा तब भी देखेगी क्योंकि एक बार आपने उसको काम बता दिया शैतान की तरह ये इंद्रिया जैसे शैतान को एक बार आपने सिद्ध कर लिया अब उसको काम चाहिए ऐसे ही इन इंद्रियों को काम चाहिए आपने एक बार इनको स्वीकार कर लिया अपने दासी के रूप में अब आपको उनका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा वो जो मर्जी आए वो करेगी अब आपकी भी नहीं चलेगी इसमें इसलिए कहा तो ऐसा जाता है कि वो घर का मालिक आत्मा है पर अभी ये मालिक बन के बैठे हुए ये जो चाहेंगे वो ही देखेंगे अपने को तो सुगंध ही ग्रहण करनी है परंतु ये इंद्रिया है तो ये दुर्गंध भी ग्रहण करेंगे करेंगे उसका काम करेंगे आपने हमको अपनी दासी बनाया है तो हमारी भी तो कुछ रुचियां हैं हमारे भी तो कुछ आदतें हैं उन आदतों के साथ आपको स्वीकार करना कोई भी आजकल बिना शर्त के किसी का नहीं होता है। देखा है दुनिया में इस दुनिया में कोई भी किसी का बिना शर्त के नहीं होता है सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं तो ये दासी तो बनी हुई है पर अपनी शर्तें कि मेरी भी कुछ इच्छा होगी मुझे जै, जैसी इच्छा होगी वैसा मैं ग्रहण करूंगी अभी आपकी चलेगी आत्मा। इसलिए स्वामी कहा जाता है ये, ये आत्मा परंतु वो उसका दास बन करके रहता है वो जो चाहेगी अब आंख खुली है इसका काम ग्रहण करना है अच्छा होगा कि बुरा होगा ये कहेगी मैं तो देखूंगी आपको बोले अच्छा लगेगा बुरा ठंडी होगी कि गर्मी होगी आपको ठंडी अच्छी नहीं लगती तो भी ये कहेगी कि मैं तो उसको अनुभव कराऊंगी आपको यह आपकी बात है कि आपको अच्छी लगे कि बुरी लगे। क्योंकि आपने एक बार मुझे पूरी तरह से स्वीकार किया आधा अधूरा नहीं आपने पूरी तरह से स्वीकार किया और स्वतंत्रता दी है तो हम तो इसलिए ये जीव इंद्रियों के अधीन है वास्तव तो में तो ये स्वाधीन है इसकी उत्पत्ति किसने की पैदा किसने किया आत्मा ने इंद्रियों की उत्पत्ति किसने की अपनों ने ही की ना परंतु एक बार पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद अब उसकी आज्ञा के हिसाब से चल ये ऐसा ही है कि एक बार तो आपने किसी को राजा बना दिया अब आपको उसी के हिसाब से चलना है, बनाने वाले के हिसाब से ही चलना है। सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं वो दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं करें अपने अपने में ही स्वतंत्र हैं इसलिए भी एक इंद्रिय का नाम इसलिए भी है कि वो सब स्वाधीन है कोई किसी दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं करता है स्पर्शनेन्द्रिय हैं वो स्वतंत्र है स्पर्श को ग्रहण करने रसना इंद्रिय स्वतंत्र है रस को ग्रहण करने ग्रहणेंद्रिय स्वतंत्र है गंध को ग्रहण करने नेत्रेंद्रिय स्वतंत्र है रूप को देखने के लिए और श्रोत्रेंद्रिय स्वतंत्र है ध्वनि को आवाज को शब्द को सुनने के लिए इसमें इनकी स्वतंत्रता है इसलिए भी इनका नाम इंद्रिय रखा गया है कान कभी आंख का काम नहीं करेगा आंख कभी कान का, का काम करेगी नाक कभी स्वाद का, का काम नहीं करेगा स्वाद कभी नाक का, का काम करेगा सब अपने अपने में स्वतंत्र है अपना अपना काम करेगी इसलिए जो दर्शन जिसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय ही है वो चार इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते पेड़ है ये, है, तो इसको ठंडी गर्मी इत्यादि तो सहन इत्यादि तो उसको अनुभव में आएंगे हल्का पन भारीपन ठंडा परंतु उसको स्वाद का पता नहीं पड़ेगा आप उसको मीठा पानी पिलाओ के खारा पानी पिलाओ खारेपन और मीठेपन का स्वाद पता नहीं पड़ेगा उसको उसको तो केवल ये ठंडा है कि गर्म है यही पता पड़ेगा उसी प्रकार से उसको गंध पता नहीं पड़ेगी कोई दुर्गंधित वस्तु पेड़ के पास जाकर के रख दो तो उस गंध का उसको कोई सेंस होगा नहीं कितने भी अच्छे आप सुंदर होकर के पेड़ के सामने जाओ और कितने भी कुरूप होकर के पेड़ के सामने जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि रूप उसका विषय नहीं और आप कितनी भी मधुर ध्वनि उसको सुनाओ अथवा कितनी भी कड़वी ध्वनि सुनाओ इस पेड़ को कोई असर पड़ता आपके संगीत का उसके ऊपर कोई असर नहीं है और आपके निंदा के वचनों का उसके ऊपर कोई असर नहीं है अभी कुछ कुछ काना फूसी हो रही है क्या प्रश्न है वो मैं बता देता हूं सबके मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ये संगीत अच्छा लगता है पेड़ों को कमल खिलते हैं वगैरह ये सब ये कहते हैं कि नहीं कहते तो वो ऐसा क्यों संगीत अगर आप बगीचा है ना और उसमें आप अच्छा मधुर संगीत चलाओ उसका ग्रोथ जल्दी होता है तो संगीत का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है तो वास्तव में वो शब्द का असर नहीं पड़ रहा है उस शब्द के अंदर देखो प्रत्येक कोई भी पुद्गल होता है ना उसके अंदर चार गुण होते हैं किसी भी पुद्गल में कौन कौन से स्पर्श रस गंध और वर्ण उस शब्द में भी स्पर्श भी है रस भी है गंध भी है और वर्ण भी है क्योंकि तो स्कंद है ना अब उस शब्द में जो स्पर्श है ना वो स्पर्श का अनुभव वो करती है और वो स्पर्श बड़ा कोमल है और इसलिए उसमें ग्रोथ होता है आवाज नहीं सुन रही है वो ध्वनिक में जो स्पर्श है ना उसको ग्रहण किया जा रहा है नहीं तो सूत्र वचन बेकार हो जाएगा कि प्रत्येक इंद्रिया अपने अपने नियत विषय को ही ग्रहण करती है अभी दूसरा उदाहरण देता जैसे अग्नि है वो कौन से इंद्रिय का विषय है अग्नि चलो अग्नि उष्णता ठीक है कौन से इंद्रिय का विषय स्पर्श इंद्रिय का विषय आंख से हम देख सकते कि नहीं आख से उष्णता का पता लगा सकते हैं कि नहीं तो वास्तव में आंख से हम उष्णता का पता नहीं लगा सकते हैं। वो उष्णता तो ये गर्म कितना है वो तो कौन अनुभव करेगा स्पर्श नेद्रिय हम क्या पता लगा रहे है? पता है वो जो अग्नि है उस अग्नि का अपना एक रूप भी तो है आंख का विषय क्या वर्ण और उस अग्नि का वर्ण है कि नहीं पीला पीला जैसा भी जो होता है वो भगवा कलर का उस वर्ण को आंख विषय कर रही है उष्णता को विषय नहीं कर रही है उष्णता तो स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय इसलिए हम वर्ण को देख करके कि यार ये अग्नि जैसा है तो दूर से देख करके ये तो पता लगा लेंगे कि ये अग्नि है परंतु उष्णता की अनुभूति नहीं कर सकेंगे देख करके।, देख करके तो केवल उसके वर्ण को बता सकेंगे और वर्ण विषय का, yes. हर इंद्रिय के बारे में समझना दूसरे के विषय को वो कभी भी ग्रहण करेगी अपने ही विषय को ग्रहण करेगी और उसमें जो अपना स्पर्श ने तो अपना स्पर्श है उस उसको ग्रहण कर लेगी बाकी को छोड़ देगी अग्नि का अग्नि में स्पर्श गंध वर्ण चारों है तो अग्नि का स्पर्श है वो इंद्रिय का विषय अग्नि का जो रस है अग्नि में भी कुछ ना कुछ स्वाद है खाके देखना <laughs> क्योंकि पुद्गल है ना उसका स्वाद तो हो होगा ही होगा हर एक पुद्गल का अपना एक स्वाद है उसको कौन विषय करेगा केवल इंद्रिय और अग्नि का भी अपना एक गंध है अपने क्योंकि प्रत्येक पुद्गल स्कंध का अपनी एक गंध होती है उस गंध को विषय कौन करेगा ग्रहण इंद्रिय विषय करेगी और अग्नि का अपना एक रूप है अपना एक वर्ण है उसको कौन विषय करेगा उसको चक्षु इंद्रिय विषय करेगा ये सब इंद्रिया अपना अपना विषय को ग्रहण कर रही हैं इसलिए पेड़ के पास में अग्नि जल रही है तो उष्णता का एहसास वो अपने स्पर्श इंद्रिय से वो करेगा पर उसको कौन सी कलर की है ना क्या है न गंध है ना ये कुछ पता पड़ेगा नहीं ऐसे हर एक पुद्गल के विषय में समझ लेना चाहिए अपने अपने विषय को ही ये सब ग्रहण करते हैं दूसरे के विषय को ग्रहण करते नहीं किसी को कुछ प्रश्न हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है मन कौन से इंद्रिय में आता है तो मन है वो नो इंद्रिय अनिंद्रिय कहलाता है वो भी इंद्रिय है परंतु ईशत इंद्रियत का मतलब किंचित किंचित इसलिए कहा जाता है कि वो भी इंद्रियों का काम करता है इंद्रियों का काम क्या है विषयों का ग्रहण करने का तो वो भी विषय का ग्रहण तो करता है परंतु वो विषय ग्रहण किस रूप में करता है तो वो विषय ग्रहण मनन रूप में करता है विचार रूप में करता है स्मृति आदि के रूप में करता है तर्क आदि के रूप में करता है उसका विचार रूप ग्रहण वो पदार्थ को विचार रूप बनाएगा और फिर ग्रहण करेगा स्मृति रूप बनाएगा फिर ग्रहण करेगा जैसे अभी हमारे सामने जो आग जल रही है वो किसका विषय है तो स्पर्शन इंद्रिय विषय करेगी किसी दिन अपन जल गए हो ना जल गए तो जिस समय हम जल रहे हैं ना उस समय तो कौन विषय कर रहा है उस जलन को स्पर्शन इंद्रिय परंतु अभी मैं आठ दिन पहले ऐसे ही जल गया था उस जलन की स्मृति कौन कर रहा है मन कर तो स्मृति करने का जो भूतकालीन जो अनुभव हुए हैं उनको स्मरण में लाकर के उनका ज्ञान करना यह मन का काम अथवा कल्पना करके उनका ज्ञान करना यह मन का काम स्मरण और कल्पना इन दोनों रूपों में वो विषय ग्रहण करता है कोई वस्तु को अपन काल्पनिक रूप में भी ज्ञान करते है। चित्रकार है उसको बताओ कि भाई इतने फुट लंबा है ऐसे इसके हाथ हैं ऐसे इसके पैर हैं ऐसे इसका नाक है ऐसे इसके कान हैं फिर वो कल्पना करेगा इसका मतलब ऐसा है और फिर वैसा चित्र बनाए चित्र किसने बनाया मन ने उसका आकार बनाया तो कल्पना से पदार्थ का ज्ञान हुआ कल्पना से पदार्थ का ये मन का काम इसलिए मति ज्ञान के जो पांच प्रकार हैं, कौन कौन से हाँ मती के भेद कितने हैं पांच मती स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिभूत तो उसमें से ये जो मति है मति ज्ञान है वो इंद्रियों से होता और बाकी के चार भेद हैं वो मन से होते हैं। स्मृति संज्ञा चिंता अभिनय केवल मति, मति का मतलब क्या इंद्रियों से जो ग्रहण हुआ किया जा रहा है वो मति के लगता है जैसे आवाज आई हमने सुन ली ये मति ज्ञान है। ठंडा है तो हमने इसको स्पर्श का ज्ञान हो गया ये मति ज्ञान मुंह में कुछ रखा खट्टा मीठा लखा अपने को लगा वो मति ज्ञान गंध आई हमने घ्राणेन्द्रिय के द्वारा इसको सूंगा ये मति ज्ञान इंद्रियों से के संबद्ध होने के बाद ही उसका ग्रहण होता है ये प्रत्यक्ष इंद्रियों को ग्रहण करती है मति ज्ञान और बाकी का जितना चार ज्ञान है वो मन के बिना नहीं तो स्मृति स्मृति मन के बिना नहीं होती हो सकती स्मृति किसकी होती है हां जिसका भूतकाल में अनुभव किया है देखा है उसी का स्मरण होता इसलिए स्मरण है वो बाधाकारी उस किसी भी चीज का स्मरण है वो हमारे उपयोग को चंचल करता है क्यों वर्तमान में से हम चले जाते हैं जैसे ही स्मरण हुआ भूतकाल का हुआ जो पर्याय नष्ट हो गई थी उसका स्मरण वो तो चली गई है इसलिए हम वर्तमान से च्युत हो जाते हैं स्मृति में वर्तमान से चुत हुआ जाता है इसलिए भगवान का स्मरण नहीं करना है गुरु का स्मरण नहीं करना है आत्मा का स्मरण नहीं करना है भगवान का गुरु का आत्मा का ज्ञान करना है जागृति रखनी है स्मरण नहीं कर, स्मरण तो भूतकाल की वस्तु है वो क्या याद करोगे वो तो आपने पहले कभी देखा था उसका तो वो तो आप भूतकाल में चले जाओगे कल्पना में चले जाओगे जागृति अलग चीज होती है स्मृति अलग चीज ये बात अलग है कि कभी स्मृति से जागृति आती है परंतु स्मृति तक जब टिके हुए हैं तब तक आप आत्मा से च्युत हैं स्मृति से जागृति आती है तो हम आत्मा में टिके वर्तमान को अनुभव करना है पीछे जो चला गया है उसको कोई अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए जागृति मुख्य वस्तु है स्मृति मुख्य वस्तु पर हम लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान का स्मरण करो इसका मतलब हम क्या करते हैं भगवान के स्वरूप का हम अपने ज्ञान में उपयोग में लेते हैं और भगवान कोई भूतकाल की वस्तु तो है नहीं भगवान तो वर्तमान में ही है परंतु कोई भूतकाल की वस्तुओं का स्मरण कर रहा है उसके तो वो तो केवल स्मृति ही है वो तो बीत चुकी है भगवान तो साक्षात वर्तमान में है जो वर्तमान है वही भगवान है भगवान का मतलब ही ज्ञान होता है और ज्ञान का मतलब जो ज्ञानवान है वो भगवान है और वो वर्तमान का विषय होता है वो कोई स्मृति का विषय होता नहीं है इसलिए जब तक स्मरण ज्ञान है तब तक आत्मानुभवन नहीं है समझ में आ गई इसलिए तो इंद्रियों से और मन से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि जब तक आपके स्मरण चल रहा है तब तक अपरोक्षानुभूति स्मरण से जब जागरण होगा तब अपरो जागरण मुख्य हमारी साधना तो वर्तमान क्षण में पर्याय में ही होती है ना यस yes. आत्म साधना और बाकी चीज़ें तो बाधक है भूत hmm. तो भावी कल्पना वो सब वर्तमान पर्याय और क्षण में जो हम पुरुषार्थ करके उसमें स्थित होते हैं वही हमारी साधना है तो जो पर को विषय कर रहा है वो मन बाधक है और जो स्व को विषय कर रहा है वो मन साधक है हम हम आत्मा की अनुभूति भी मन के द्वारा ही करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी विचार के अतिरिक्त तो और कोई साधन नहीं है और विचारों के समूह का नाम ही मन है मन कोई अलग कोई वस्तु नहीं है परंतु जब मन संकल्प विकल्प करना छोड़ करके अपना अनुभव करता है अपने को विषय करता है स्व को विषय करता है तब उसको आत्मानुभूति ऐसा नाम देते वो मन ही करेगा अन्य कोई वस्तु अन्य कोई करता मन इस समय अभी अपने ज्ञान रूप हो चुका है इसलिए मन कहां तक जीवित है बारहवें गुण स्थान जो मन स्मरण आदि में लगा हुआ है पर को विषय कर रहा है वो मन अभी बाह बहिर्मुख मन कहलाता है और जो स्व को विषय कर रहा है स्मृति आदि से रहित हो चुका है और एकमात्र स्व की जागृति में लगा हुआ है वो अंतर्मुख मन कहलाता है वो आत्मानुभूति कहलाती है प्रश्न है अपन विचार है उनको ज्ञान की परिया कहते हैं हाँ विचार तो आपने कहा कि मन, मन विचार करता है तो हाँ मन पर वो मन मन भी एक प्रकार से विचार और मन जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक विचार है तब तक मन है क्योंकि विकल्प पूर्वक ही जाना जाता है विचार पूर्वक ही वर्तमान में छदमस्त संसारी जीव है वो किसी भी पदार्थ का ज्ञान करेगा तो वो विचार पूर्वक ही करेगा अगर वो मानसिक कर रहा है तो इसलिए जब तक विचार है तब तक मन है इसलिए केवल ज्ञान होने के पहले पहले तक मन है उसके बस वो मन है वो जो विचार है उस विचार का विषय चेंज हो जाता है हमको और नहीं और कुछ नहीं करना है विचारों के विषयों को बदलना है विचारों को नहीं बदलना है जिस विचार में जिस मन का विषय आत्मा है वो अंतर्मुख मन है जिस विचार का विषय आत्मा है अथवा स्व है वो स्व विचार है स्वरूप विचार है स्वरूप चिंतन है और जिसका विषय अन्य इंद्रिय विषय है वो पर का विचार है ये का विचार है इसलिए अपने को विचारों की निर्मलता करने की है विचारों से रहित नहीं होने का है और स्वयं मन ज्ञान ही है ज्ञान के अतिरिक्त तो मन क्या है हमने एक नाम दे रखा है मन मन नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। एक आत्मा नाम की वस्तु है और वो आत्मा जब पदार्थ के विषय में संकल्प विकल्प करता है सोचता विचारता है तो उसको हम क्या कहते हैं मन ये केवल नामांतर है और कुछ अलग से स्वतंत्र रूप से आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मन नाम की कोई वस्तु मिलेगी नहीं क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ पौद्गलिक एक वस्तु मिलेगी जिससे पौद्गलिक इंद्रियां हैं तो आपको कान मिलेंगे आँख मिलेंगे ऐसा आठ पंखुड़ियों वाला वो हृदय प्रदेश में वो मनोवर्गणा वाला मन मिलेगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं वो तो केवल हेल्पफुल है कि आप विचार करना चाहते हैं उसकी हेल्प ले लें जैसे हम गंध लेना चाहते हैं तो नाक ने आपको हेल्प कर दी हम कुछ सुनना चाहते हैं तो कान ने आपको हेल्प कर दिया उसी प्रकार से हम कुछ विचार करना चाहते हैं विकल्प करना चाहते हैं तो उस मनोवर्गणा ने अपना हेल्प कर दिया वो मनोवर्गणाएं उस आकार को ग्रहण कर लेती इसलिए वो नौ इंद्रिय कहलाती है क्योंकि वो भी विषय को ग्रहण करती है। अयोगी गुण स्थान है वो मन बगर है अयोगी गुण स्थान में मन होता है कि नहीं होता है ऐसा प्रश्न किया बताओ तो योग कितने होते हैं तीन कौन कौन से तो बताओ अब अयोगी गुण में मन होगा कि नहीं इसका नाम ही इसलिए अयोगी है अयोगी मतलब जहां योग समाप्त हो चुके हैं हाँ पर वास्तव में वह वा, योग का मतलब ऐसा नहीं समझना कि रचना ये जो शरीर है वो योग कायोग नहीं है ये जो वाणी है वो कायोग नहीं है और ये जो रूप पुद्गलिक मन है वो मनोयोग नहीं है हम उन रचनाओं को योग समझते हैं रचनाओं का नाम योग नहीं है स्पंदन का नाम योग है हम्म, आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन हो रहा है और उसके निमित्त से जो कर्म का आकर्षण हो रहा है ग्रहण, उसका नाम योग है इन रचनाओं का नाम योग नहीं है इसका नाम तो शरीर है योग थोड़ी है पर काय योग कब कहला जाएगा जब इसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होगा तो यह कायोग है। जब वचन के निमित्त से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है तो वचन योग और जब मनोवर्गणा के निमित्त से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है तो वो मनोयोग इसलिए अयोगी गुणस्थानक होता है उसमें काय भी होती है भाषा वर्गणा मतलब वचन भी होते हैं और मनोवर्गणा भी होती है अर्थात मन भी होता है ये तीनों रचनाएं हैं परंतु तीनों के योग तीनों का स्पंदन वहां मनोवर्गणा है परंतु जरा सा भी उसमें कोई स्पंदन नहीं है वो परमाणु जैसे वैसे शैलेशीकरण कहते हैं पत्थर की दर पर्वत कठोर हो चुके वहां भाषा वर्गणा है परंतु भाषा वर्गणा का कोई स्पंदन नहीं और वहां काय वर्गणा है पर काय का कोई स्पंदन नहीं बस वो स्थिर है इसलिए वो और इस कारण से चौदवे गुण स्थान में आश्रव होता नहीं किंचित भी होता क्योंकि योग होगा स्पंदन होगा मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी तो वहां प्रवृत्ति है नहीं और उसके निमित्त से आत्म प्रदय और स्पंदन होगा और तब कर्म का आगमन होगा और ये वहां पर है नहीं इसलिए कर्म का आगमन भी कर्म रुक जाते हैं पूरी तरह से हम ध्यान में बैठते हैं तो भाषा नहीं है वहां और, और कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसे ही स्पंदन है इसमें हमारा कोई जुड़ाव नहीं है ऐसे ही होता है जैसे शरीर ऐसा आप जो कह रहे हो मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते ऐसा नहीं है कि हम ध्यान में बैठे हैं तो हम बोल नहीं रहे अंतर जल तब भी चल रहे हैं प्रति समय कोई ना कोई योग चलता ही है और एक समय में एक ही योग चलेगा जिस समय काय का स्पंदन हो रहा है उस समय भाषा वर्गना मन का वचन का स्पंदन नहीं होगा और जिस समय वचन का स्पंदन हो रहा है उस समय मन का नहीं होगा जिस समय मन का स्पंदन होगा उस समय भाषा का नहीं होगा ये इतने जल्दी जल्दी होते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि मैं सोच भी रहा हूँ मैं बोल भी रहा हूँ मैं हिल भी रहा हूँ पर ये तीनों अल्टरनेट होते नहीं अभ्यस्थित तो थोड़ा आता है जैसे स्कूल रूप से ऐसा हम कहते हैं कि भाई मैं मौन हो गया स्थूल रूप से ऐसा कहते हैं कि भाई मैं ये देखो नहीं हिल रहा है। पर अंदर स्पंदन क्यों चल रहा है पता है जब तक ये श्वास है ना हा, हा, तब तक इन तीनों का स्पंदन क्योंकि वायु का संचार हो रहा है योगी गुणस्थान में वहां वायु का निरोध है युगों का निरोध होता है श्वास का भी वहां पर निरोध हो जाता है हा? करना और होना करते हैं ऐसा शब्द कम लगाना क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक किया नहीं जाता है। हो जाता है ऑटोमेटिक नहीं श्वास तो ऐसे हो, हो, होता है हम नहीं करते हैं अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं हम तो ध्यान में है तो भी श्वास चल रही है इसलिए जब तक श्वास चलेगी हमारे सारे अवयव चलेंगे सब कुछ चलेगा ये तो चौदवें गुणस्थानवर्ती केवली की बात चल रही है उनके श्वास नहीं चलती है इसलिए न मन का स्पंदन है न भाषा का स्पंदन है न किसी का कोई सूक्ष्म स्पंदन भी वहां होता नहीं क्योंकि वह तो तीसरे शुक्ल ध्यान में ही नष्ट कर देते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रति सूक्ष्म क्रिया जो अंदर सूक्ष्म स्पंदन था वो भी उस तीसरे शुक्ल ध्यान से नष्ट कर दिया और चौथे शुक्ल ध्यान में तो व्यू परत क्रिया निवृत्ति समस्त प्रकार से चारों तरफ से क्रियाओं की निवृत्ति कर देते सूक्ष्म है हम अभ्यास ऐसे कर सकते हैं कि जितना जितना हमारे इच्छाओं का निरोध होता जाएगा इच्छा पतली पड़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे मन वचन काय के स्पंदन कम होते हैं क्योंकि जैसे इच्छा पतली पड़ती है तो श्वासोश्वास मंद पड़ती है इस इच्छा का और श्वास का बड़ा ही संबंध है इसलिए जब हम बहुत व्याकुल होते हैं उस समय श्वास की गति भी तेज होती है और जब हम शांत होते हैं तो श्वास एकदम रिदम से आराम से चलता जो समाधि में व्यक्ति होता है अगर उसको डॉक्टर देखे ना तो कहे कि ये मर चुका है निर्विकल समाधि में क्योंकि उसकी नाड़ी भी नहीं चलेगी उस समय जो स्थूल नाड़ी हो और श्वास भी नहीं चलेगा क्योंकि नाड़ी का संबंध भी श्वास से बहुत गहराई से देखेगा तब लगेगा हां मन लगा कोमा छे ऐसी हालत हो जाती है उसकी क्यों कषाय अत्यंत मंद पड़गी इच्छा अत्यंत मंद पड़गी है और इच्छा से वायु का संचार होता है इच्छा निज निज यंत्र थी वायु नौ संचार और उसी से सारे अंगोपांग सब सारे सारे चलते हैं इसलिए अपने वायु अगर रुक जाती है तो हम और वायु कब रुक जाती है इच्छा करने वाला आत्मा कल चला जाता है क्योंकि आत्मा में इच्छा पैदा हो रही थी और इसलिए स्वच्छ स्वस्थ श्वाछ चल रहे थे अब इच्छा करने वाला जीव तत्व ही शरीर में नहीं है तो इच्छा नहीं हो रही है तो वायु का संचार नहीं हो रहा है वायु का संचार नहीं हो रहा तो अंगो पांग कोई हिल नहीं रहे और अंगो पांग हिल नहीं रहे तो योग नहीं हो रहा है योग नहीं हो रहा है आश्रव नहीं हो आश्रव नहीं हो रहा है तो बंद नहीं हो रहा है बंद नहीं हो रहा है तो मुक्त है सीधी सी बात हां समाधि में भी ऐसा होता है। ये मन का सारा खेल है इसलिए कंट्रोल मन को करने का करना चाहिए और मन को कंट्रोल करने के लिए इच्छा पर लगाम कसनी चाहिए हम सब इच्छते हैं कि हमको समाधि प्राप्त करनी आत्मा का आनंद चाहिए पर इच्छा रख करके आज तक किसी ने भी आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं किया जिसकी बहुत भीतर इच्छाएं हैं वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता आनंद प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए इच्छा का निरोध करने से कर्मों की निर्जरा हो इसी का नाम तप कहलाता है इस शरीर आदि को पीड़ित करने से कोई तप नहीं होता है जब अंदर वस्तु जैसी है वैसी ज्ञान में आती है और विकल्प रहित हो जाता है। तब इच्छा निरोध इसलिए ज्ञान के बिना इच्छा का निरोध भी हो सकता है अंत में तो ज्ञान ही मुख्य है विग्रह गति में स्पंदन होता है विग्रह गति में पांच प्रकार के शरीरों में से कौन कौन से शरीर होता है कार्मन और तेजस इसलिए उसका अलग से ही सूत्र विग्रह गतो कर्मयोग तो विग्रह गति में कर्मयोग होता है मतलब कार्मण का योग होता है योग तो होता पर कौन सा काय योग होता है कार्मण का योग होता है और उस कार्मण का योग से कर्म का आश्रय होता है और अगर विग्रह गति में योग नहीं मानेंगे तो क्या होगा तीन दो तीन समय के लिए जब जितने समय के लिए वो विग्रह गति चलेगी तब तक आत्मा निर्बंध हो गया निराश्रवी हो गया तो मुक्त हो गया आत्मा फिर तीन समय के लिए मुक्ति का अनुभव करेगा पर ऐसा तो होता नहीं इसलिए विग्रह गति में भी कर्मबंध होता है कार्मण का योग जब तक योग है तब तक आश्रव है और योग कब तक कौन से गुणस्थान तक है अभी भी कंफ्यूज योग कौन से गुणस्थान तक है यस तो तेरहवे गुणस्थान तक योग इसलिए उसको सहयोग केवल ही कहते हैं इसलिए वहां तक आश्रव है जहां तक योग है वहां तक आश्रव, और चौदहवें गुण स्थान में योग नहीं है इसलिए आश्रव। ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ करके क्या करना चाहिए अपने को तो अपने को योगों की प्रवृत्ति कम से कम करनी चाहिए और निरंतर अपने को ऐसी भावना करनी चाहिए कि मुझे काय की कोई चेष्टा नहीं करनी मुझे वचन की कोई चेष्टा नहीं करनी मुझे मन की कोई चेष्टा नहीं करनी और मुझे केवल शांत निराकुल होकर के रहना बस ये भावना निरंतर हो इस भावना से क्या होगा कि धीमे 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 अपने जीवन में ये सब चीजें कम होने लगी एक समय ऐसा आएगा कि आपको कहीं आपकी काय की चेष्टा करने का निरू आपको कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होगी खत्म हो जाएगी सारी इच्छाएं, सब कुछ गमना गमन सब केवल आत्मा में स्थिर जैसे ये भावना करेगा आपको कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं होगी मौन ही रहना है ये यह उदय आएगा जब भावना करेंगे और यथायोग्य काल में ये अपना उदय आएगा और जब ऐसी भावना करेंगे कि मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है। जिसका नित्य ऐसा ही विचार होता है उसको थोड़े ही समय में विकल्प नाश हो जा वो चाहेगा विचार करना जबरदस्ती तब जाकर के उसके विचार चलते हैं दूसरे में बाकी विचार ही नहीं चलते दिमाग चलेगा ही नहीं क्योंकि उसने ट्रेनिंग दी है तीव्र भावना करी है उसने कि मुझे अब सोचना नहीं है क्योंकि सोचना आत्मा का स्वभाव बहुत सोच विचार करना ये आत्मा का स्वभाव आत्मा का स्वभाव शांत निराकूल होकर के रहे ऐसी भावना करें देखें फिर जीवन में कितना चमत्कार हो जो करना है उसकी भावना कीजिए हमारे उल्टा चल रहा है मामला इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी है हम भावनाएं भी क्या करेंगे मेरे को ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये यहाँ जाऊंगा वो करूंगा सुमंदर स्वामी के पास जाएंगे उनको पास जाके ये करेंगे वो करेंगे कहीं को करते हो कहा जाना है किस लिए जाना है और वहां जाके क्या करोगे वो भगवान ऐसा ही कहेंगे ये सारे विकल्प छोड़ दो इसलिए हम अज्ञान अवस्था में इतने सारे शुभाशुभ कर्म बांध लेते हैं फिर उसका उदय आता और फिर हमको घुमाता रहता इसलिए ज्ञानी को वास्तव में कहीं नहीं जाना कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं कुछ सोचना नहीं कुछ नहीं करना ये तो उदय के अनुसार पूर्व के अभ्यास से शब्द होते पूर्व के संस्कार हो सब उसके होता है पर इसलिए जीवन में अशांति नहीं अशांति कब पैदा होगी पता है जब आपकी कुछ न कुछ इच्छा होगी वहीं से अशांति के बीच पैदा हो अब बिना इच्छा के यहां तो हो रहा है सब कुछ वहां अशांति पैदा नहीं हो इसलिए ज्ञानी का पहला लक्षण है शांत तो प्रशांत की भावना अपन कहते हैं आत्मा का लक्ष्य करो आत्मा की भावना करो इसका नाम आत्मा की भाव ऐसा थोड़ी हम बहुत विचार करेंगे आत्मा शुद्ध है आत्मा बुद्ध है आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है तो हम आत्मा रूप हो जाएंगे ऐसा थोड़ी है ये तो है hey, ही आप क्या करते हैं इसने आपने नया क्या किया इसमें ये तो अब नहीं विचारो तो भी हम ज्ञान स्वभावी हम नहीं विचारो तो भी हम केवल ज्ञान स्वभावे हम नहीं विचारो तो भी हम शक्ति अपेक्षा जो है वो ही विचार करने से आत्मा की सिद्धि नहीं होती है बहिर्भ्यंतर क्रिया रोध बाहर और अभ्यंतर क्रियाओं का रोध करने से समाधि की प्राप्त इसलिए विकल्पों का निग्रह ये लोक व्यक्ति भाव है ना कल्पना से कुछ नहीं थोड़ा अभ्यास करके अपने हम ध्यान आदि करें इतने सारे कोई श्वास पर अटक रहा है ना कोई किस पे अटक रहा है ना कोई क्या कर किस लिए जो आत्मा जैसा है वैसा ही हम भावना क्यों ना करें दूसरी दूसरी क्यों करें इससे क्या मिलेगा अपने को इसलिए ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं होता क्योंकि किसका ध्यान कर रहा है पता ही नहीं और जिसका ध्यान करेगा वही उपलब्ध होगा क्योंकि उसी रूप आकार ले लेगा ले आत्मा का इसलिए सबसे पहले ध्येय क्या है उसी पर निश्चय किया और एक निष्ठ होकर के उसकी भावना करनी चाहिए इससे इंद्रियों का निरोध होगा कि इंद्रियों को जानने का यही पल है और कोई पल जावाणी के ज्ञान से सुझेलो कालो लो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ये यणी भारती तो हिज को दिन रे जो तेरा लहे सो पावे सुचे देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का नौ नमस्कार आत्म अनुसार शांति 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 जय श्री